मुरादाबाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में ठेला गाड़ी मजदूरों ने सिविल लाइन जिला कलेक्ट्रेट पर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ जमकर उठाई मांग। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में ठेला गाड़ी मजदूर चालकों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़कर बंद किए जा रहे ठेलों को छोड़े जाने की मांग को लेकर आज बुधवार को सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर ठेले वालों ने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और एक दिवसीय जमकर धरना प्रदर्शन किया। ठेला गाड़ी वालों की मांग है कि जैसे कि पूर्व की सरकारों ने गरीबों को ई बैटरी रिक्शा आदि चलाने के लिए निःशुल्क मुहैया कराई थी, उसी तरह हमें भी माल ढोने वाले वाहन निःशुल्क दिए जाएं ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, और जब तक सरकार हमें निःशुल्क वाहन उपलब्ध नहीं कराती तब तक हमारे वाहनों को रोड पर चलने दिया जाए, उनको रोका ना जाए और जिन वाहनों को प्रशासन द्वारा बंद कर लिए गए हैं उनको छोड़ा जाए। आज ये यहाँ पर कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों के साथ में, बीवियों के साथ में, जो हमारे मुरादाबाद के अंदर जुगाड़ मोटरसाइकिल भार वाहन मजदूर चला रहे थे उनके भार वाहन पुलिस ने बंद कर दिए हैं, वो जब्त कर लिए हैं और इन लोगों के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। तो आज ये लोग लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले यहाँ धरने पर बैठे हैं और मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ट्रेड यूनियन एक्ट की तरफ से इनकी मांगों का समर्थन करता हूँ। यहाँ के प्रशासन ने इन लोगों के साथ जो क्या है, इनका रोजगार छीना है, इनके बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, घर में इनके चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं और यहाँ का प्रशासन गूंगा बहरे की तरह से बैठा है। पहले भी इन लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, उसके बाद नगर मजिस्ट्रेट से वार्ता भी हुई लेकिन अभी तक इनके वाहनों को नहीं छोड़ा गया। तो हमारी मांग है आज धरने के माध्यम से कि तत्काल जो इनके वाहन पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जाए और इन वाहनों को जो ये चला रहे हैं भार ढोने के उनको सड़क पर चलने दिया जाए और इनके लिए सरकार द्वारा मोटर बैटरी संचालित जो भार वाहन है वो सरकार द्वारा अनुदान पर इन लोगों को दिलवाए जाए ताकि ये फिर अपने इन रिक्शों को बंद कर देंगे और तब तक इनको चलने दिया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा संगठन इनके साथ बैठेगा, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, आम अनशन करेंगे, यहाँ के प्रशासन को काम नहीं करने देंगे जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, इनके वाहन नहीं छोड़ दिए जाते हैं, तो फिर ये आंदोलन लंबा चलेगा। हमारी समस्या ये है, हम जिस जुगाड़ ठेले पे मोटरसाइकिल ठेले जी की किसी में स्कूटर लगी हुई, किसी में मोटरसाइकिल लगी हुई है, उसको पकड़ के पुलिस बंद कर रही है, तो अगर पुलिस ये हमारे बंद करेगी तो हम अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे और कुछ हमारे साथियों के बंद कर दिएगा। और अब क्या नाम है, पहले हम पैदल वाले खींचते थे, अब बन गए शहर मुरादाबाद में 3-4 पुल, अब उन पुल के कारण हमसे ठेले नहीं खींचते और जो हमारे साथी खींचते थे उनकी कई की मौत भी हो गई। तो हम ये चाहते हैं हमारे जो साथियों को ठेले पकड़े हुए हैं वो छोड़ दिए जाएं, और नहीं छोड़ा गए तो अभी तो ये एक दिन का आंदोलन है, फिर उसके बाद में पता नहीं हम कितना दिन का करें, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे बिल्कुल, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार खुद भी काम करे और हमें भी करने दे, हमें शौक नहीं सरकार के कामों में डिस्टर्ब करने का, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द सरकार तक पहुँचे हमारी बात और हमारी सुनवाई करे। तो अभी ये पुलिस वाले ये हमसे रोक रोक के पैसे मांगते हैं, तो हम भाई साहब 100 रुपये का फेरा और हम इनको 500 रुपये 2000 रुपये कहाँ से दें, इसी चक्कर में ये हमसे वसूली करते हैं। हम कैसे वसूली करने, हम बड़ी मेहनत से बड़ी उससे हम काम करते हैं भाई साहब, और हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना जानते हैं, मगर हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, क्योंकि जो हमारी आमदनी आधी ज़्यादा तो पुलिस वाले ले लेते हैं। अब जब पुलिस वाले हमसे आमदनी हमारी रोज मेहनत की कमाई पुलिस वाले ले लेते हैं तो हम ये बताओ हम कैसे करें। क्या चाहते हैं आप है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे ठेले जो साथियों को पकड़े गए हैं वो छोड़ दिए जाएं और जो हमारे वाहन चल रहे हैं, हमारे जो ठेले चल रहे हैं, हम ये चाहते हैं वो भी चलने दिए जाए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, अगर सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं करा तो हम आगे, तो ये आज तो एक दिन का है, आगे जो है पता नहीं कितने दिन का करें, और अभी तो 100-200 लोग हैं और ये पता नहीं फिर आगे 5000 हो जाए, 2000 हो जाए, 10000 हो जाए, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसके कारण अब मैं